हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो रूमेटिक मेडिसिन है, जो ब्राइनिया और आरटी जब फेल हो जाती हैं या फिर इंडिकेटेड भी होती हैं और उसके बीच में ये दवाई अपनी जगह बनाती है, ठीक है। तो इस दवाई का नाम है फाइटोलका डिकेंड्रा। जब हमें ऐसा लगे कि ब्राइनिया और आरटी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, दे आर इंडिकेटेड, बट द मेडिसिन इन बिटवीन इज़ द फाइटोलका ऑल्सो, ठीक है। तो रूमेटिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये रूमेटिज़म को कवर करती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आरटी और ब्राइनिया के जो मोडेलिटीज़ हैं, वो जब हम बोरिक उठाकर देखेंगे या फिर एलन स्कीनोट भी देखेंगे, तो बहुत सारी दवाइयों में ये मोडेलिटीज़ है, ठीक है। तो फाइटोलका भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो आरटी है और ब्राइनिया है वो वैसा ही शो करती है अपने आप को। तो हम ये देखें कि फाइटोलका जो है उसमें भी एग्रवेशन जो है वो बाय मोशन है, ठीक है। फ्रॉम मोशन एग्रवेशन जब भी आता है हमारे दिमाग में आती है ब्राइनिया, बिकॉज ऑल कंप्लेंट्स आर एग्रवेटेड फ्रॉम मोशन, है ना। और अगर फ्रॉम द फर्स्ट मोशन एग्रवेशन है तो हमारे दिमाग में आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स और ब्राइनिया के जो सिम्टम्स हैं वो फाइटोलका में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मेडिसिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ये है फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ मेमरी ग्लैंड। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द थ्रोट कंप्लेंट्स ऑल्सो इन द डिप्थीरिया। द थ्रोट कंप्लेंट्स आर ब्यूटिफुली कवर्ड बाय दिस मेडिसिन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स विद यू वन बाय वन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे सिम्टम्स आपको जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इट ऑक्यूपाइज पोजिशन बिटवीन ब्राइनिया एंड आर टी एंड क्योर्स वैन दीज फेल्स दो एपरेंटली वेल इंडिकेटेड। ये जो मेडिसिन है ये जब हमें ऐसा लगे कि ब्राइनिया है सेलेक्ट करें या रस्टॉक सेलेक्ट करें या फिर दोनों के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक बार जो है वी मस्ट थिंक अबाउट द फाइटोलका ऑल्सो। बिकॉज मैंने बताया है आपको पहले भी कि एग्रवेशन जो है इसका मोशन से है। अब फर्स्ट मोशन से है कि कंप्लीट मोशन से है, ये आपको पता करना पड़ेगा। जो सिम्टम्स जो है वो फाइटोलका में भी है। सो दिस मेडिसिन क्योर्स वैन एपरेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन फेल्स टू क्योर, यानी कि ब्राइनिया और आरटी हमें लग रही है कि हो सकती है, बट दैट वॉज नॉट द मेडिसिन फॉर द पेशेंट। अब ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर द रूमेटिक डायथिसिस। रूमेटिक पेन्स जो हैं, शाइटिका जो है, सिफिलिटिक टेंडेंसी है इस दवाई की, तो शाइटिका हो गया, रूमेटिक पेन हो गए, उसकी ये बहुत ही अच्छी दवाई है क्योंकि इसका जो है डायथिसिस रूमेटिक डायथिसिस है। अब किस तरीके का पेन होता है वो हमें पता होना चाहिए। पेन फ्लाइंग लाइक इलेक्ट्रिक शॉक्स, मरीज इसे बताता है कि इस तरीके का दर्द होता है जैसे बिजली कड़क रही हो, ठीक है, बिजली चल रही हो। इस तरीके का पेन जो है वो फाइटोलका में है, शूटिंग, बिजली चल रही हो इस तरीके का दर्द, लेंसिनेटिंग, भाले जैसा दर्द, भाला चुभ रहा है कोई, रैपिडली शिफ्टिंग, बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है पेन, एंड द एग्रवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय मोशन एंड नाइट। यस्टरडे आई डिस्कस जो मेडिसिन दैट इज़ मिजेरियम। मिजेरियम में ऑल्सो हैज़ अ सिफिलिटिक टेंडेंसी, सो द मेडिसिन हैविंग द सिफिलिटिक मियाज़म इन द बैकग्राउंड ऑलवेज हैव द एग्रवेशन फ्रॉम नाइट, एग्रवेशन एट नाइट। तो मिजेरियम में भी क्या था, वो बोन्स की बहुत अच्छी दवाई थी फॉर द लॉन्ग बोन्स हैविंग नाइट पेन्स, पेरियोस्टियम ऑफ लॉन्ग बोन्स को कवर कर रही थी, नाइट पेन था, लीस्ट टच डैम वेदर से एग्रवेशन था। तो जब भी आप देखोगे कि सिफिलिटिक मियाज़म को कोई दवाई कवर कर रही है, सिफिलिटिक टेंडेंसी है उसकी,
तो नाइट एग्रवेशन इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब मोशन से एग्रवेशन है तो मोशन एग्रवेशन हमें ब्राइनियम मिलता है, मोशन एग्रवेशन हमें रस्टॉक्स में मिलता है. ठीक है, तो दोनों में जो है, दोनों के सिम्टम्स जो हैं इस मेडिसिन में आ गए. डिप्थीरिया के बाद र्यूमेटिज्म किसी को डेवलप हो रहा है, डिप्थीरिक अटैक आया उसके बाद र्यूमेटिज्म डेवलप हो रहा है, गला ख़राब हुआ, सोर थ्रोट हुआ, उसके बाद हाथ पैरों में दर्द हो गया. सो फाइटोलक्का हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमूव दिस ऑल्सो. सबसे एक हम देखें फिजिकल फीचर जो है इस दवाई का वो है एमेसिएशन, एमेसिएशन एंड द क्लोरोसिस, मतलब एनीमिया. एमेसिएशन हो रहा है फ्रॉम द लॉस ऑफ फैट, जो मरीज़ का जो फैट है वो कम हो रहा है. एंड इन स्पाइट ऑफ द हेल्दी डाइट, इन स्पाइट ऑफ द डाइट, द पेशेंट इज़ हैविंग द एग्जॉशन एंड प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन. बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है. अब ब्राइनिया में हम एक सिम्टम देखते हैं कि जब भी मरीज जो है बेड से उठता है तो उसको चक्कर आते हैं. ठीक है, वर्टिगो व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड फील्स फेंट, मतलब जब भी पलंग से मरीज उठेगा तो उसको चक्कर आएंगे. तो ये ब्राइनिया में सिम्टम है, ये फाइटोलक्का में भी सिम्टम है. हेडेक और बैकेक हो रहा है और ब्रूस फीलिंग हो रही है पूरी बॉडी में. ठीक है, जैसे किसी ने मारा है इस तरीके का पेन हो रहा है, हेडेक है, बैकेक है, लेम सोर ब्रूस फीलिंग है. ठीक है, कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू मूव बट मोशन एग्रवेट पेन. द पेशेंट हैज़ अ डिज़ायर टू मूव कंटिन्यूसली बट जो मोशन है उससे उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ब्राइनिया में हम देखते हैं क्या कि ऑल कंप्लेन्स आर वर्स फ्रॉम मोशन. तो डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ब्राइनिया बिकॉज इट हैज़ कवर्ड द वर्टिगो ऑल्सो. एग्रवेशंस आर द इम्पॉर्टेंट, कवर्स द एग्रवेशन. Now the most important part of this medicine is the diphtheria and throat symptoms. तो जब भी throat symptom आते हैं तो हमारे दिमाग में HS आती है, बेलाडोना आती है. बहुत ही ज़्यादा rare सोच रहे हो तो लैक्केन आती है. अगर हम रोज़ की बात करें कि common सोच रहे हैं तो लाइकोपोडियम, लैकेसिस, HS, बेलाडोना, आर्सेनिक, यही दवाइयाँ हमारे दिमाग में आती है व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द थ्रोट सिम्टम्स. लेकिन फाइटोलक्का इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द थ्रोट सिम्टम. इट हैज़ कवर्ड ऑल द थ्रोट सिम्टम्स एंड इम्पॉर्टेंट वंस ऑल्सो. क्योंकि HS का सिम्टम है कि जब भी मरीज निकलेगा तो उसके कान तक दर्द जाएगा, द पेन एक्सटेंड टू द ईयर, पेन शूट फ्रॉम थ्रोट इन टू द ईयर्स ऑन स्वेलोइंग. दिस सिम्टम इज प्रेजेंट इन फाइटोलक्का ऑल्सो. और ये सिम्टम बहुत सारी दवाइयों में है तो ये सिम्टम मैं नहीं बताऊँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का फॉर द थ्रोट, बट इट ऑल्सो हैज़ दिस सिम्टम. अब इस मेडिसिन के थ्रोट के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स डिस्कस कर रही हूँ. दैट इज़ ग्रेट पेन एट रूट ऑफ टंग व्हेन स्वेलोइंग. ये आप देखोगे, ये सिम्टम आपको किसी दवाई में नहीं मिलेगा कि रूट ऑफ टंग में भी पेन हो रहा है जब निगल रहा है. कान तक दर्द जाता है वो तो हमने देखा है दवाइयों में, लेकिन जो जीभ है उसमें भी पेन हो रहा है निगलते वक्त. दिस इज़ प्रेजेंट इन फाइटोलक्का एंड many patients are of the phytolacca in the daily life. Burning as from coal on fire, इतनी जलन मचती है गले में. ठीक है, बहुत ड्राइनेस होती है and difficult to swallow with trembling of hands. This is the important symptom. Difficulty in swallow with trembling of hands. हाथ ट्रैम्बल कर रहे हैं.
ट्रैम्बलिंग मिलते ही हमारे दिमाग में जलसीमियम आती है फर्स्ट ग्रेड, कि ट्रैम्बलिंग है तो जलसीमियम है नहीं. फाइटोलका ऑल्सो हैज़ अ ट्रेम्बलिंग. सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है गले में जिसको बार बार निगलना चाहिए. मरीज़ को ऐसा लगता है कि कुछ गले में है तो बार बार स्वेलो कर लूँ. ठीक है. एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन इज़ एश कलर्ड मेम्ब्रेन. जली हुई जो हो जाती है ना मेम्ब्रेन, जल जाती है, वैसी राख से कलर की, वैसी इसका जो है वो मेम्ब्रेन का कलर होता है. और मरीज़ जो है वो गर्म चीज़ें जो है हॉट ड्रिंक्स वो नहीं पी सकता, एग्रवेशन होता है उसे गर्म चीज़ें पीने से, गर्म चीज़ें खाने से. तो ये सिम्टम जो है ये फाइटोलक्का का है. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फाइटोलक्का के, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर द थ्रोट सिम्टम्स. नाउ इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ मेमरी लेंस, यानी कि पेनफुल नोडोसाइट्स, नोड्स बन गई पेनफुल, उसकी बहुत अच्छी दवाई है. मेमरी एप्सिस की बहुत अच्छी दवाई है. नाउ इट हैज़ अ सिम्टम दैट व्हेन द चाइल्ड नर्सेस पेन गोज फ्रॉम निपल टू ऑल ओवर द बॉडी. ये फाइटोलक्का में है. ठीक है. अगर गोज टू बैक है कि कमर तक दर्द जाता है, पूरी बॉडी में नहीं जाता, तो वो सिम्टम है क्रोटोन्टिक का. और अगर वो पेन यूट्रस तक जाता है तो पल्सेटिलाइन साइलीशिया इज़ द मेडिसिन. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम थे जो मैंने आपसे इस मेडिसिन के डिस्कस किए, और आई होप आप सबको पता चला होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन है, क्योंकि इसमें हर सिम्टम जो है वो सिमिलैरिटी शो कर रहा है विद द ब्राइनिया एंड फाउंड्स अ प्लेस इन बिटवीन आरटी एंड ब्राइनिया. सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.